छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर तोड़फोड़ की। इस अटैक में टोल प्लाजा को भारी नुकसान भी पहुंचा। करीब 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक टोल पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आरोप है कि दुर्ग में NH-53 पर बनाए गए टोल नाके पर लोकल गाड़ियों से भी टैक्स लिया जाता है, इसे गलत बताया गया। मौके पर पुलिस मौजूद थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।